ओके गाइस, हमने जो अपनी हार्ड डिस्क है उसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखेंगे काफी सारी ड्राइव है, स्पेशली एक ए डाटा करके जो ड्राइव आ रही है वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। जस्ट मेरे ऊपर यहाँ पे आपको दिख रही है 931 GB की स्पेस हमें यहाँ पे मिल रही है, तो 1 TB के अंदर आपको इतनी स्पेस मिल जाती है। कनेक्ट हो गई है एंड देखते हैं कुछ डेटा वगैरह ट्रांसफर करके, तो अपनी कुछ वीडियो फाइल्स हैं उसको एक बार ही फटाफट से ट्रांसफर करके देखते हैं कि क्या वो फाइल्स हो रही हैं। सपोज थोड़ी सी फाइल्स ले लेते हैं इतनी सी, एंड इनको हम करने जा रहे हैं कॉपी। ओके, एंड ए डेटा के अंदर हम यहाँ पे करने जा रहे हैं पेस्ट, ताकि हमें एक एक्चुअल जो है वो पता चल सके। सो 120 MBPS की स्पीड जो है वो आपको यहाँ पे 130-120 MBPS की स्पीड जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। ओके गाइस, आप यहाँ पे इसकी जो रीड एंड राइट स्पीड है वो चेकअप कर सकते हो। तो 155.51 MB/s की जो स्पीड है वो यहाँ पे दिखा रहा है, एंड अभी हमने जो फाइल्स ट्रांसफर भी करी थी उसके अंदर ऑलमोस्ट 120-130 MB/s जो स्पीड है वो हमें दे रहा था। सो हार्ड डिस्क में यूजुअली आपकी 200-250 के आसपास तक आती है, एंड यहाँ पे भी आपको 150 के आसपास जो है वो मिल रही है।